प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 1 की एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक एक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होती है जिसमें भिन्न और दशमलव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। शून्य भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक में सभी नंबर ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक लिए जाते हैं। यहाँ पर हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। पूर्णांक में हम भिन्न और दशमलव को नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे -4, 4, 5 और 1, ये सभी पूर्णांक है। अब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर टाइमलाइन गिवन है। टाइमलाइन में विभिन्न विभिन्न स्थानों के तापमान दर्शाए गए हैं। जितने भी बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो विभिन्न विभिन्न स्थानों के तापमान हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इस संख्या रेखा को देखिए। हमें इस संख्या रेखा को देखना है और इस पर अंकित स्थानों के तापमान हमें बताने हैं। जितने भी हमारे पास स्थान हैं उनके क्या तापमान है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो पहला स्थान है लाहौल स्पीति को लेता हूँ। लाहौल स्पीति जो हमको दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर ऋणात्मक 10 दिया हुआ है। जो हमारा बॉक्स बना हुआ है वो -10 से लेकर अगर हम दाई तरफ चलते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है। तो इसके लिए हमें -10 में 2 नंबर को जोड़ना होगा। मैंने -10 में 2 नंबर को जोड़ दिया है। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर 2 नंबर को हम जोड़ते हैं और कोई एक नंबर घटा का है और दूसरा नंबर जमा का है तो हमेशा घटा होता है। तो 10 में से अगर 2 को हम घटाते हैं तो हमारे पास आता 8, और 8 के आगे जो चिन्ह लगेगा वो वही चिन्ह लगेगा जो बड़ी संख्या होगी। जैसे 2 और 10 में 10 संख्या बड़ी है, 10 के सामने घटा का चिन्ह है तो वही चिन्ह हमारा 8 के सामने भी आ जाएगा। ऐसे लाहौल स्पीति का तापमान हमारे पास आ चुका है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम श्रीनगर का तापमान निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास टाइमलाइन पे -5 टेम्परेचर दिया हुआ है और जो बॉक्स बना हुआ है वो -5 से लेकर दाई तरफ तीसरे नंबर पर हमारे पास बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम -5 में 3 नंबर को जोड़ देंगे। तो जैसे ही मैं -5 में 3 नंबर को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक संख्या जमा की है, दूसरी संख्या घटा की है, तो हम 5 में से 3 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास आता है 2 डिग्री सेल्सियस और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगा हुआ घटा का, तो हमारे आंसर में भी 2 के आगे आ जाएगा, घटा का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे ही मैं शिमला का तापमान निकालता हूँ। जैसे टाइमलाइन पे हमें दिखाई दे रहा है शिमला का तापमान सीधा ही 5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास दिया हुआ है। अब मैं ऊटी का तापमान निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे टाइमलाइन पे मेरे पास जमा का 10 दिया हुआ है और जो ऊटी के लिए जो बॉक्स बना हुआ है वो -10 से लेकर 4 नंबर पर बना हुआ है। तो इसके लिए मैं -10 में 4 को जमा कर दूंगा। यहाँ पे दोनों ही संख्या के आगे जमा का निशान है, तो हम क्या करेंगे,
हम 10 में 4 को जोड़ देंगे। 10 में 4 को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 14 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ऊटी का तापमान निकल के आया हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलोर का तापमान निकालते हैं। जैसे टाइमलाइन पर दिया हुआ है, नियरेस्ट जो टाइमलाइन पे नंबर दे रखा है वो दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और जो बेंगलोर के लिए जो बॉक्स बना हुआ है वो 20 डिग्री सेल्सियस से दाई तरफ दूसरे नंबर पे बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 20 में दो नंबर को जोड़ देंगे। तो 20 में दो नंबर को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमारे पास बेंगलोर का तापमान निकल कर आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन नंबर एक के बी पार्ट को निकालते हैं। उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो हमको टाइमलाइन से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का पता करना है। जैसे कि हमको पता है सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति का है, जो कि हमने निकाला था -8, जो कि -10 में 2 को जमा करने पर निकला था। ऐसे ही सबसे गर्म स्थान हमारे पास बेंगलोर का है, जो कि हमारे पास आया था 22 डिग्री सेल्सियस, हमने 20 में 2 को जमा करके निकाला था। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इन दोनों स्थानों का के तापमानों का अंतर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे गर्म स्थान में से सबसे ठंडे स्थान को घटा देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया 22 घटा ब्रैकेट में -8। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में घटा का निशान है और ब्रैकेट से बाहर भी घटा का निशान है। जब भी हम गुणा करते हैं और दोनों जगह घटा के निशान होते हैं तो घटा घटा जमा बन जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 22 जमा 8, क्योंकि घटा घटा आपस में जुड़कर जमा बन चुके हैं। अब हम 22 को और 8 को जोड़ते हैं। 22 को और 8 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 30। तो ऐसे हमारे पास सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर निकल कर आया 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मैं पहले का सी पार्ट देख लेता हूँ। पहले का सी पार्ट लिखा हुआ है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, यहाँ भी हमको अंतर निकालना है। तो इसके लिए पहले मैं लाहौल स्पीति का तापमान निकालूंगा, उसके बाद श्रीनगर का तापमान निकालूंगा और दोनों को आपस में से घटा दूंगा। जैसे हमको पता है लाहौल स्पीति का तापमान हमारे पास जो निकल कर आया था वो -8 आया था, और श्रीनगर का तापमान जो हमारे पास निकल कर आया था -2 आया था। अब मैं इन दोनों को आपस में से घटा देता हूँ। जैसे -8 घटा में ब्रैकेट -2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में घटा का निशान है और ब्रैकेट से बाहर भी घटा का है, तो ये आपस में जमा का निशान बन जाएंगे। अब हमारा जो संख्या बनेगी वो बनेगी -8 जमा 2। हमारे पास एक निशान जमा का है और दूसरा निशान घटा का है, तो इसका मतलब हमें 8 में से 2 को घटाना है। तो हमारे पास 8 में से 2 को घटाने पर आया 6, और 6 का अगर चिन्ह वही रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे 8 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 8 के सामने घटा का निशान लगा हुआ है, तो 6 के आगे भी घटा का निशान लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही पहले का डी हम देख लेते हैं। पहले के डी में लिखा हुआ है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो इसके लिए हमें पहले शिमला और श्रीनगर दोनों का तापमान निकाल कर दोनों को जोड़ना है, और फिर हमें यह पता करना है कि शिमला के तापमान से यह तापमान कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शिमला का तापमान निकालता हूँ। जैसे इसे पहले मैंने निकाला था, शिमला का तापमान हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और श्रीनगर का तापमान हमारे पास निकल कर आया था -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस हमें -5 में 3 को जमा करने पर निकला था। अब मैं 5 में से -2 को जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमको दोनों को जमा करना है।
यहाँ पर मेरे पास आया 5 जमा ब्रैकेट में घटा 2। यहाँ पर ब्रैकेट में घटा का निशान है और ब्रैकेट से बाहर जमा का निशान है, तो यह चिन्ह बदल कर घटा का बन जाएगा। तो आगे आ गया 5 घटा 2, 5 में से 2 को घटाने पर हमारे पास आता है 3। तो हमारा आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला और श्रीनगर के तापमान को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग 3 डिग्री सेल्सियस निकल गया है, जो कि शिमला के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, क्योंकि हमारे पास शिमला का तापमान 5 था और हमारे पास इन दोनों का शिमला और श्रीनगर का तापमान का जोड़ हमारे पास आया 3। आगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब हमको इनका तापमान चेक करना है कि ये श्रीनगर के तापमान से कम है या ज़्यादा है। तो जैसे हमको पता है हमारे पास श्रीनगर का तापमान घटा 2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 3 डिग्री सेल्सियस से कम है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह दिया हुआ है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन सही है तो आपको धनात्मक अंक मिलेंगे और अगर क्वेश्चन गलत है तो ऋणात्मक अंक मिलेंगे। यानी धनात्मक में आपको नंबर जुड़ जाएंगे और ऋणात्मक में आपके नंबर घट जाएंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी 5 राउंड हैं, उनमें जैक ने कुछ इस तरह अंक मिले हैं, जैसे 25 घटा 5 घटा 10 15 और 10। तो हमें कुल योग निकालने हैं, तो कुल योग निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं यानी सभी नंबर को हमको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 25। 25 में क्या जोड़ूंगा, घटा 5, उसमें जोड़ूंगा मैं घटा 10, फिर मैं जोड़ता हूँ 15, फिर मैं जोड़ता हूँ 10। अब मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, तो ब्रैकेट्स को हटाने के लिए मैं देखूंगा कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 25, आगे ब्रैकेट के बाहर जमा का निशान है और ब्रैकेट के अंदर घटा का है, तो यह चिन्ह बदलकर ब्रैकेट हट जाएगा और घटा का निशान आ जाएगा। ऐसे ही घटा 10 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और जमा ब्रैकेट से बाहर है। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में घटा 10 लिखा हुआ, ब्रैकेट से बाहर जमा लिखा हुआ, तो यह घटा जमा बदलकर घटा में बदल जाएगा। अब मैं आगे लिखता हूँ जमा 15 और जमा 10। अब मैं जितने भी घटा के नंबर हैं उनको अलग जोड़ूंगा और जितने जमा के नंबर उनको मैं अलग जोड़ूंगा। तो जमा के नंबर जैसे 25 है, 15 और 10, 25 15 10 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 50। और 5 और 10 ये जैसे घटा के नंबर है, इनको जोड़ने पर हमारे पास आता है घटा 15। अब मेरी जो संख्या आई है वो 50 घटा 15 आई है, मैं 50 में से 15 को घटा दूंगा तो मेरे पास आता है 35। तो जैक द्वारा 5 राउंड में 35 नंबर मिले हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा 5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मैं क्या करूँगा, पहले मंगलवार का तापमान निकालता हूँ। तो जैसे हमें गिवन है सोमवार का तापमान घटा 5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट चुका है, तो कितना कम हुआ है, घटा में 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर घटा का निशान है, यहाँ पर भी घटा का निशान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, वो चिन्ह हमारा जो बड़ी संख्या है उसका आएगा। तो हमारे पास जोड़ने के बाद आता है 7 और चिन्ह जैसे बड़ी संख्या घटा की है तो यहाँ पे घटा का चिन्ह लग गया है। तो हमारा आंसर आया मंगलवार को श्रीनगर का तापमान था घटा में 7 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी हमारे पास जो मंगलवार का तापमान आया वो आया घटा में 7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को जो तापमान था वो 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया है, तो हमें बुधवार का तापमान निकालना है।
कितना बड़ा है जमा 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक संख्या घटा की है और दूसरी संख्या जमा की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, 7 में से 4 गए 3 डिग्री सेल्सियस, और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या होती है। हमारा 7 नंबर हमारा 4 से बड़ा है, तो 7 के आगे जैसे घटा का निशान लगा हुआ है तो 3 के आगे भी घटा का निशान लग जाएगा। तो बुधवार को शरीर का तापमान निकल कर आएगा घटा में 3 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी हवाई जहाज है जो कि समुद्र तल से 5000 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी जो है वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे चल रही है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो हमारे हमको पनडुब्बी से हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसे गिवन है हमारे पास समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी, हवाई जहाज की दूरी 5000 मीटर है, ऐसे ही पनडुब्बी से समुद्र तल की दूरी हमारे पास 1200 मीटर है। हमें निकालना है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई और समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई दोनों को आपस में जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद हमारे पास आता है 5000 में 1200 को जोड़ते हैं तो आता है 6200 मीटर। तो पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज के बीच की दूरी आती है 6200 मीटर। ऐसे ही प्रश्न संख्या 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है, यानी जमा 2000 करे है और उसमें से 1642 रुपये उसने अपने खाते से निकाल लिए। यदि खाते में से निकली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, यानी अगर हमने उस राशि निकाली है तो वो घटा के निशान से निरूपित की जाएगी, दिखाई जाएगी। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? खाते में जमा की गई राशि को हम जमा साइन से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए खाते में जमा की राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, यानी जो जमा की संख्या होती है। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि 2000 में से हम 1642 को घटा देते हैं जो कि हमारे पास आई है 358। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी रीता बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, बिंदु बी से पश्चिम की ओर दूरी 30 किलोमीटर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी अगर पूर्व की ओर की दूरी हमें जमा के निशान से दिखानी है और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हमको घटा के निशान से दिखानी है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? देखिए जैसे संख्या रेखा के अनुसार यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक अंक से निरूपित होगा। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर है, बिंदु बी से लेकर पश्चिम की ओर दूरी जो हमको दे रखी है 30 किलोमीटर, बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, इनके बीच की दूरी
हमको 20 में से 30 को घटा करने पर निकलाएगी। 20 में से 30 को घटाने पर हमारे पास संख्या आती है 10, और साइन वही रहेगा जो कि बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है। तो जैसे बड़ी संख्या के आगे घटा का निशान है तो हमारे पास 10 के आगे भी घटा निशान लग जाएगा। तो हमारे पास बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी निकल कर आई है घटा 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। यानी बच्चों मायावी वर्ग वही होता है जिसमें हमारे पास जो पंक्ति होती है, जैसे हमारे पास पंक्ति ये वाली है, स्तंभ ये होता है और विकर्ण हमारे पास ये होता है। तो सबसे पहले मैं पंक्ति, जितनी भी पंक्ति है उसको आपस में जोड़ लेता हूँ, फिर स्तंभ को जोड़ता हूँ, उसके बाद विकर्ण को आपस में जमा करता हूँ। पहली पंक्ति की संख्याओं का योग, जैसे पहली पंक्ति में लिखा 5, फिर घटा 1, फिर घटा 4, इन तीनों को आपस में जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है उसको मैं ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। 5 ब्रैकेट में घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर जमा का है तो ये घटा का बन जाएगा, घटा 1। ऐसे ही 4 जो है वो घटा का है, उसके बाद जमा का निशान तो ये घटा का 4 बन जाएगा। तो अब मैं जितने भी घटा के नंबर है उनको अलग जोड़ता हूँ, जमा के अलग जोड़ता हूँ। तो जमा का निशान हमारे पास 5 है, तो घटा को आपस में जोड़ने पर 4 1 और 1 5 आते हैं, 5 में से 5 के 0। तो पहली पंक्ति की संख्याओं का योग हमारे पास आ गया है 0। ऐसे दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग निकालते हैं, घटा 5 जमा घटा 2 जमा 7। यहाँ पर मैं ब्रैकेट को सबसे पहले हटाता हूँ, जैसे घटा 5 मैंने लिख दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में घटा का निशान है और ब्रैकेट से बाद जमा का निशान है, तो हमारे पास घटा का निशान बच जाएगा, ऐसे ही जमा 7। यहाँ पर देखिए, अब मैं घटा वाले नंबर्स को अलग जोड़ता हूँ और जमा वाले नंबर को अलग जोड़ता हूँ, तो घटा 5 घटा 2 हमारे पास आ जाते हैं, घटा 7 और जमा 7 जो कि निकला हुआ है। अब 7 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0। तो ऐसे ही दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग भी हमारे पास आ चुका है 0। मैं तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग निकालता हूँ जो कि है 0 जमा 3 जमा ब्रैकेट में घटा 3। तो इसे ब्रैकेट को हटाया मैंने, यहाँ पर आ गया घटा 3। यहाँ पर देखिए, एक नंबर जमा का है और दूसरा नंबर घटा का है, और जो दो नंबर सेम है तो 3 में से 3 गए, हमारे पास कितना आएगा 0। तो तीसरी पंक्ति का योग भी हमारे पास कितना आ गया 0। ऐसे ही मैं अब स्तंभ के नंबर्स को जोड़ता हूँ, जैसे पहला स्तंभ है कि जो वैल्यू है 5 घटा 5 और 0 है, तो 5 घटा 5 और 0। मैं यह घटा जो ब्रैकेट का निशान, ब्रैकेट का के अंदर घटा है वो बाहर जमा का निशान है, तो ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा और चिन्ह जो बनेगा वो घटा का चिन्ह आ जाएगा। 5 घटा 5 हमारे पास आता है 0। तो ऐसे ही पहले स्तंभ की संख्याओं का योग निकल गया है 0। ऐसे अगर हम दूसरी स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 0। तीसरी स्तंभ की संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पर दे रखा है घटा 4 7 और घटा 3, यहाँ पे घटा की संख्याओं को हम अलग जोड़ते हैं और जमा की संख्या को अलग जोड़ते हैं। तो घटा 4 में अगर मैं घटा 3 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है घटा 7। तो एक संख्या हमारे की जमा के साथ और दूसरी घटा 7, तो आ जाएगा 0। अब मैंने पंक्ति का जोड़ भी कर लिया और स्तंभ को भी जोड़ लिया, अब मैं विकर्ण को जोड़ता हूँ। तो पहले विकर्ण की जो वैल्यू है वो है 5 घटा 2 और घटा 3। यहाँ देखिए 5 जमा घटा 2 जमा घटा 3, तो मैं पहले ब्रैकेट को हटाता हूँ, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है और ब्रैकेट के बाद जमा का है, तो निशान बदल कर क्या हो जाएगा, घटा का निशान हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 5 घटा 2 घटा 3,
अब यहाँ पर घटा के नंबर्स को मैं अलग जोड़ लेता हूँ, तो ऐसे हमारे पास आएगा 5 घटा 5, 5 में जब 5 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0। तो ऐसे पहले विकर्ण की संख्याओं का योग हमारे पास आ चुका है 0। ऐसे दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग निकालते हैं जो कि दे रखा है 4 घटा 2 और 0। यहाँ पे देखिए पहले मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ, तो ब्रैकेट को हटाने के बाद हमारे पास नंबर आता है 4 घटा 2 जमा 0। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं घटा की संख्या को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 6 जमा 0 और आंसर आता है 6। यहाँ पे देखिए जितनी भी संख्याएं हमारे पास दे रखी है सबका जो योग है वो 0 आया है, बट दूसरे विकर्ण की संख्या का योग को छोड़कर, इसलिए यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें जो दूसरा विकर्ण है उसकी संख्या का योग 0 नहीं है, जो कि अलग है 6। ऐसे ही आकृति अब 2 में हम चेक करते हैं कि ये मायावी वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले पंक्तियों को जोड़ूंगा, फिर स्तंभ को, उसके बाद विकर्ण को जोड़ूंगा। तो पहली पंक्ति को अगर मैं जोड़ता हूँ जो कि दे रखा है 1 जमा ब्रैकेट में 10 जमा 0। मैं पहले ब्रैकेट को हटाता हूँ, तब मैंने लिख दिया 1, ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर जमा का है, तो जमा का निशान बदल कर हो जाएगा घटा का निशान, तो यहाँ पर आएगा 1 घटा 10 जमा 0, यानी 1 घटा 10। अब 10 में से 1 को घटाएगा हमारे पास आएगा 9, और जो सिंबल जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा घटा का, क्योंकि घटा का नंबर बड़ा है, हमारे पास आ गया 9। ऐसे दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग निकालते हैं जो कि दे रखी है संख्या 4 घटा 3 और 2। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 4, ब्रैकेट को हटाता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर जमा का निशान, जो बदल कर घटा का निशान बन जाएगा, तो अब मेरे पास आएगा 4 घटा 3 घटा 2। जैसे कि सभी नंबर घटा के हैं तो मैं सबको जोड़ दूंगा, वो चिन्ह लगेगा घटा का। 4 में 3 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 7, 7 को 2 में जोड़ने पर हमारे पास आता है 9, तो हमारा आंसर आ गया 9। ऐसे तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग निकालते हैं 6 जमा 4 जमा 7। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर जमा का है, तो जमा का निशान बदल कर हो जाएगा घटा का निशान। अब हमारे पास आया 6 जमा 4 घटा 7। अब मैं घटा की संख्या को अलग जोड़ता हूँ, जमा की संख्या को अलग रखता हूँ, तो 6 में अगर 7 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 13, और जमा की संख्या जो थी 4 वो मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी है। अब एक संख्या जमा की है, दूसरी संख्या घटा की है, तो मैं 13 में से 4 को घटा दूंगा, जो चिन्ह आएगा वो बड़ी वाली संख्या का आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। ऐसे स्तंभ को जोड़ता हूँ, जो पहला स्तंभ है उसकी वैल्यू है 1 घटा 4 और 6। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हटाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर जमा का है, तो इससे जमा का निशान बदल कर घटा का निशान बन जाएगा। अब आता मेरे पास 1 घटा 4 घटा 6। अब मैं घटा वाली संख्या को अलग जोड़ता हूँ और जमा वाली संख्या को अलग रखता हूँ, तो बता 1 घटा 10। यहाँ पर भी एक संख्या जमा की है, दूसरी संख्या घटा की है, तो हम क्या करेंगे 10 में से 1 को घटा देंगे, और जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी वाली संख्या का लगेगा, जो कि यहाँ पर घटा का निशान है। अब हमारे पास आ गया 9। ऐसे दूसरे स्तंभ की संख्या का योग निकालते हैं जो कि दे रखी है 10 3 और 4। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ तो मेरे पास संख्या आती है 10 3 जमा 4। यहाँ पे घटा की संख्या को अलग जोड़ना होता है, तो 10 में 3 को जोड़ोगे हमारे पास आएगा 13 और 4। अब यहाँ पे एक संख्या घटा के दूसरी संख्या जमा की है, तो 13 में से 4 को हम घटा देंगे, हमारे पास आएगा 9, और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी वाली संख्या का, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह हमारे पास घटा का है, तो आंसर में भी घटा का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग निकालते हैं जो कि हमारे पास है
जीरो बटा दो और बटा सात। यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट को हटाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है और ब्रैकेट से बाहर जमा का निशान है, तो जमा का निशान बदल कर हो जाएगा घटा का निशान। अब हमारे पास जो संख्या जो आई जीरो घटा दो घटा सात। अब यहाँ जो घटा की संख्या है उसको अलग जोड़ते हैं, जैसे घटा दो घटा सात हमारे पास घटा नौ आता है, और जीरो में से हम घटा नौ को घटाएंगे तो हमारे पास घटा नौ ही आएगा। ऐसे में विकर्ण को निकाल लेते हैं, जो पहला विकर्ण है उसको जोड़ते हैं। हम पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद हमारे पास आएगा एक घटा तीन घटा सात। यहाँ पर घटा वाली संख्या को अलग जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा एक घटा दस। अब दस में से एक को घटाएगा हमारे पास आएगा नौ, और जो चिन्ह होगा वो जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लग जाएगा, जैसे बड़ी संख्या का चिन्ह घटा का है तो इसके साथ घटा का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे दूसरे विकर्ण की संख्या को जोड़ते हैं जो कि है जीरो घटा तीन घटा छः, तो इनको जोड़ने के बाद हमारे पास आता है घटा नौ। जैसे सभी की वैल्यू घटा नौ आई है तो यह वर्ग एक मायावी वर्ग है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आठ देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आठ में लिखा हुआ है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए घटा ब्रैकेट में घटा बी बराबर ए जमा बी का सत्यापन कीजिए। तो हमको इनमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यूज को रखना है और पता करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। हमारे पास चार वैल्यू है, तो सबसे पहले पहले वाला ऑप्शन देख लेता हूँ, जिसमें ए की वैल्यू 21 है और बी की वैल्यू 18 है। अब मैं जो इक्वेशन दे रखी है ए घटा ब्रैकेट में घटा बी ब्रैकेट बंद बराबर ए जमा बी, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 18 रखता हूँ, तो हमारे पास आता है 21 घटा ब्रैकेट में घटा 18। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है और ब्रैकेट के बाहर भी घटा का निशान है, जो कि आपस में मिलकर जमा का निशान बन जाएंगे। तो हमारे पास आता है 21 जमा 18, और 21 को 18 में जोड़ने पर हमारे पास आता है 39। ऐसे ही राइट हैंड साइड में हम ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 18 रखते हैं, जैसे राइट हैंड साइड में दे रखा है ए जमा बी। अब यहाँ पे 21 जमा 18, 21 को 18 में जोड़ने पर हमारे पास आ गया 39। यहाँ देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, जो कि सत्यापन हमारा हो गया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें ए की वैल्यू दे रखी है 118 और बी की वैल्यू 125, और जो हमारी इक्वेशन है वो दे रखी है ए घटा ब्रैकेट में घटा बी ब्रैकेट बंद बराबर ए जमा बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं ए की वैल्यू 118 और बी की वैल्यू 125 रखता हूँ, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है ब्रैकेट के बाद भी घटा का निशान है, तो आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा जमा का निशान, तो हमारे पास आएगा 118 जमा 125। 118 में 125 का जोड़ने पर हमारे पास आता है 243। ऐसे राइट हैंड साइड में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है ए जमा बी, ए जमा बी में मैं ए की वैल्यू 118 रखता हूँ बी की वैल्यू 125 रखता हूँ, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आता है 243। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी जो वैल्यू आई है 243 है, राइट हैंड साइड में 243 है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि वेरीफाई हो चुका है। अब मैं पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको निकालते हैं, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 75 75 और बी की वैल्यू दे रखी है 84। अब मैं जो हमारी इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ए घटा ब्रैकेट में घटा बी में ए की वैल्यू रखता हूँ 75 और बी की वैल्यू रखता हूँ 84। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर घटा का निशान है, जो कि आपस में जुड़कर जमा का निशान बन जाएंगे। अब हमारे पास आ गया 75 जमा 84, 75 को 84 में जमा करने के बाद हमारे पास आता है 159। ऐसे राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो है ए जमा बी, ए जमा बी में हम ए की वैल्यू रखते 75 और बी की वैल्यू रखते 84, तो 75 को 84 में जोड़ने पर हमारे पास आता है 159। यहाँ देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुके हैं, जो कि वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही जो फोर्थ पार्ट है उसमें दे रखा है ए बराबर 28 और बी बराबर 11, जो हमारी इक्वेशन है इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 28 और बी की वैल्यू 11।
यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, ब्रैकेट से बाहर भी घटा का निशान है, तो आपस में जुड़ कर क्या हो जाएगा, जमा के निशान। तो 28 में 11 को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 39। ऐसे राइट हैंड साइड में मैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ए जमा बी। ए जमा बी में मैं अगर ए की वैल्यू 28 रखता हूँ, बी की वैल्यू 11 रखता हूँ और दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 39। ऐसे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। हमें क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा, छोटा और बराबर का उपयोग कीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें दो इक्वेशन है, दो संख्याएं है, दोनों के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है। हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहली जो संख्या है वो है ब्रैकेट में घटा 8 जमा ब्रैकेट में घटा 4। यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को हटाऊंगा। देखिए घटा 8 और घटा 4, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे मेरे पास आया घटा 8 और जमा 4। जमा 4 इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान था और ब्रैकेट बाहर के बाहर भी घटा का निशान था, जो कि आपस में जुड़कर जमा का निशान बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्या घटा की है तो दोनों को आपस में जोड़ दूंगा और जो चिन्ह आएगा वो घटा का आएगा। यहाँ पर आता है 8 जमा 4 12 घटा 12, और तो दूसरी संख्या है वो घटा 8 जमा 4, तो एक संख्या जमा की है दूसरी संख्या घटा की है तो ये आपस में घट जाएगी। 8 में 4 के 4 और जो चिन्ह आएगा वो घटा का आएगा क्योंकि घटा के नंबर बड़ा है। यहाँ पर देखिए अब हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे घटा 12 घटा 4 से छोटी है। तो हमारा जो सिंबल आएगा वो आएगा लेस देन का। ऐसे ही जो दूसरा बी पार्ट है उसमें एक जगह लिखा हुआ है ब्रैकेट में घटा 3 जमा 7 घटा ब्रैकेट में 19। ऐसे ही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 15 घटा 8 जमा ब्रैकेट में घटा 9। मैं ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान था, ब्रैकेट के अंदर बाहर का निशान था, जमा का निशान था, तो यह घटा का निशान बन जाएगा। अब मैं घटा के नंबर को अलग जोड़ता हूँ और जमा के नंबर को अलग जोड़ता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटा 3 है, घटा 19 को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है घटा 22, फिर आगे लिखा हुआ जमा 7। ऐसे राइट हैंड साइड में पहले लिखा हुआ 15, उसके बाद घटा 8 और घटा 9 को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है घटा 17। अब यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ घटा 22 जमा 7, एक संख्या जमा की दूसरी संख्या घटा की है, तो हम क्या करेंगे 22 में 7 को घटा देंगे और जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल आ जाएगा। तो 22 में 7 को घटाने के पास हमारे पास आता है 15 और जो चिन्ह आएगा वो घटा का आएगा, तो यह हमारी संख्या ही घटा 15। ऐसे ही राइट हैंड साइड में एक नंबर 15 है, दूसरा नंबर 17 है, 17 घटा का है 15 जमा का है, तो 17 में से 15 के 2 और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह हमारे पास घटा का है तो इसका आगे घटा का निशान आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया घटा 2। अब देखिए घटा 15 दे रखा है, घटा 2 दे रखा है, क्योंकि घटा 2 घटा 15 से बड़ा है इसलिए हमारे पास यहाँ पर लेस देन का सिंबल आएगा, चिन्ह आएगा। अब जो सी है, सी क्वेश्चन, उसमें एक जगह लिखा हुआ है 23 घटा 41 जमा 11 और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 23 घटा 41 घटा 11। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जमा वाली संख्या को अलग जोड़ूंगा और घटा वाली संख्या को अलग जोड़ूंगा। तो पहले मैं लिखता हूँ 23 में और 11 को आपस में जोड़ देता हूँ क्योंकि दोनों जमा की संख्या है, तो मेरे पास आता है 34 और आगे लिखा हुआ घटा 41। ऐसे राइट हैंड साइड में मैं 23 को 23 लिखता हूँ और जो बाकी घटा की संख्या उनको आपस में जोड़ देता हूँ, घटा की संख्या 41 और 11 है, 41 और 11 को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 52, तो यहाँ संख्या आएगी 23 घटा 52। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में पहले 34 में से 41 को घटाऊंगा, फिर मैं 23 में से 52 को घटाऊंगा, तो 34 में 41 को घटाने के बाद हमारे पास आता है 7। जैसी संख्या जो 41 है वो 34 से बड़ी है इसलिए घटा का निशान आएगा, यहाँ पर भी 52 23 से बड़ी है और 52 का आगे घटा का निशान लगा हुआ है तो यहाँ भी घटा का निशान आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या घटा 7 आई है, दूसरी संख्या घटा 29 आई है, घटा 7 घटा 29 से बड़ी है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी हम देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ 39 जमा ब्रैकेट में घटा 24 फिर घटा घटा 15।
बटा प्लस 15, और राइट हैंड साइड भी लिखा हुआ है 36 जमा ब्रैकेट में घटा 52 घटा ब्रैकेट में घटा 36। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं सबसे पहले, तो ब्रैकेट को हटाने के बाद हमारे पास बाहर घटा के निशान ही आएंगे, और यहाँ पर 36 हमारा घटा का है और आगे घटा निशान लगाओ तो ये जमा का निशान बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे जमा की संख्या लिखी है 39, जैसे घटा 24 है घटा 15 दोनों का आपस में जोड़ देता हूँ, वो जो चिन्ह है घटा का आएगा, तो हमारे पास आता है 39 घटा 39, और राइट हैंड साइड पर आता है 36, और यहाँ भी जमा का निशान बन चुका है 36 जमा 36 72, और यहाँ पे घटा 52, 39 में 39 गए 0 और 72 में से 52 गए 20, लेस देन का सिंबल आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर ई को देख लेता हूँ, यहाँ लिखा है माइनस घटा 231 जमा 79 जमा 51, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है घटा 399 जमा 159 जमा 81। यहाँ पर देखिए घटा की संख्या को अलग लिखता हूँ और जमा की संख्या को अलग जोड़ता हूँ, तो घटा 231 जमा 130, 130 आया हमारा 79 और 51 को आपस में जोड़ने पर। ऐसे राइट हैंड साइड पे पहली संख्या लिख दी घटा 399 और जो दूसरी संख्या जो आई है वो 159 और 81 को आपस में जोड़ने पर आई, जो कि आई 240। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या जमा की है दूसरी संख्या घटा की है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी वाली संख्या का आएगा, तो 231 में से 130 को घटाने के बाद हमारे पास आता है 101, वो चिन्ह जो आएगा वो घटा का आएगा, और यहाँ पर घटा 159, तो घटा 101 बड़ा है घटा 159 से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ, एक पानी का तालाब बना हुआ है जिसके अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई है, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अब जो दसवीं का पहला पार्ट है उसमें लिखा वह एक छलांग से 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग से 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, यानी पहले वो नीचे की ओर जाता है 3 सीढ़ियां, फिर वापस 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो हमें कितनी छलांग बंदर ने लगाई पानी तक पहुँचने के लिए यह निकालना है। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है कि पानी 9वीं सीढ़ी पर है, तो मैंने यहाँ 9 स्टेप्स मैंने लिख लिए हैं, बंदर सबसे पहले 3 जंप लगाता है, तो जैसे स्टेप 1 पे बंदर बैठा हुआ था, फिर 1 2 3 3 जंप लगाई बंदर ने और कहाँ पहुँच गया स्टेप 4 पर, फिर कहता है कि जो अगली छलांग होती है वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है, तो अभी नीचे की तरफ गया, अब 2 सीढ़ियाँ, तो बंदर यहाँ था, यहाँ से 2 सीढ़ी पीछे यानी स्टेप 2 पर जाएगा, बंदर ने 2 स्टेप पीछे चला गया, अब बंदर कहाँ पहुँच गया स्टेप 2 पर, अब फिर बंदर 3 छलांग और लगाएगा आगे की तरफ नीचे ढलान की तरफ, तो देखिए 2 से बंदर पहुँच गया 5वीं सीढ़ी पर, अब फिर वो वापिस ऊपर की ओर जाएगा 2 सीढ़ी, तो 5 से ऊपर की ओर हमारे पास तीसरे स्टेप पर पहुंच जाएगा, फिर इसके बाद फिर बंदर आगे की तरफ 3 छलांगें लगाएगा तो बंदर पहुंचेगा स्टेप 6 पर, उसके बाद फिर जो अगली जंप होगी वो ऊपर की ओर होगी और 2 स्टेप की ओर होगी, तो ऊपर की ओर 2 स्टेप पर बंदर पहुंच जाएगा स्टेप 4 पर, स्टेप 4 पर, अब बंदर स्टेप 4 पर पहुंच चुका है, इसके बाद बंदर फिर 3 छलांगे लगाएगा और पहुंच जाएगा स्टेप 7 पर, उसके बाद बंदर फिर ऊपर की ओर जाएगा वो स्टेप 5 पर पहुंच जाएगा, फिर बंदर स्टेप 5 से फिर 3 छलांगे लगाएगा और स्टेप 8 पर पहुंच जाएगा, फिर बंदर फिर स्टेप 8 से ऊपर की ओर 2 छलांगे लगाएगा और स्टेप 6 पर पहुंच जाएगा,
फिर बंदर स्टेप 6 से 3 छलांगे आगे की ओर लगाएगा और स्टेप 9 पर पहुंच जाएगा। तो स्टेप 9 पर हमारे पास क्या है? पानी। तो बंदर पानी तक पहुंच चुका है। तो बंदर को पानी तक पहुंचने में कितने जंप लगानी पड़ी? 11 जंप। यहाँ डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है, आप देख सकते हो। पहली छलांग 1+3 चार सीढ़ी, फिर पीछे गया था तो 4 में से 2 गए 2 सीढ़ी, फिर आगे गया था 2 में 3 जोड़ो 5 सीढ़ी, ऐसे करके फाइनल जो 11वीं छलांग थी उसमें 9वीं सीढ़ी पर बंदर पहुंच गया। अब 10वें का जो दूसरा है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पानी पीने के पश्चात अब बंदर पानी तक पहुंचा हुआ 9वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है। इस कार्य के लिए वह छलांग एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, कितनी छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? अब बंदर को सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर जाना है, तो अब बंदर 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा और 2 सीढ़ी नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए बंदर बैठा है 9वें स्टेप पर, अब 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा और 2 सीढ़ी नीचे की ओर, तो 4 सीढ़ी 9 से पहुंच गया है स्टेप 5 पर, तो पहली जंप होगी बंदर की। अब जैसे बंदर फिर दूसरी जो जंप होगी वो नीचे की तरफ 2 छलांगे हैं। अब उसके बाद बंदर फिर सीढ़ी 7 से 4 छलांगे लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 7 से बंदर सीधा पहुंच गया स्टेप 3 पर, तो यह उस बंदर की तीसरी जंप थी। अब फिर बंदर पीछे की तरफ 2 छलांगे लगाएगा, यानी स्टेप 3 से लेकर स्टेप 5 पर, यह बंदर की चौथी जंप थी। फिर बंदर आगे की तरफ 4 स्टेप जाएगा जो कि स्टेप 1 पे पहुंच जाएगा। तो बंदर को पानी के साथ जो स्टेप जो सीढ़ी थी 9वीं सीढ़ी थी और जो पहली सीढ़ी है उस पे पहुंचने पे 5 जंपें लगानी पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी अगर बंदर ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा है नीचे पानी की तरफ जा रहा है तो उसको घटा के निशान से हम दिखाएंगे, और अगर बंदर पानी के पास बैठा है और सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है तो जमा के निशान से दिखाई जाएगी। तो हमको बताना है ए और बी हमको दे रखा है कि घटा 8 नंबर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी बार जाना पड़ेगा। तो देखिए जो ए पार्ट है उसमें लिखा था घटा 3+2, तो कितनी बार फॉलो करना पड़ेगा अगर हमको घटा 8 लाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यही संख्या अगर 8 बार रिपीट होती है तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली घटा 8 आएगा। देखिए क्योंकि अगर मैं घटा के जो नंबर है उनको जोड़ता हूँ और जमा के नंबर को अलग से जोड़ता हूँ तो देखिए घटा का नंबर मेरे पास आता है घटा 24 और जमा का आता है 16, घटा 24 और जमा 16, तो यानी 24 में 16 गए 8 और जो बड़ा नंबर है उसका घटा का निशान है तो यहाँ भी घटा का निशान आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा घटा 8। तो -3, -3, 2 हमको 8 बार रिपीट करना होगा। ऐसे जो बी है उसमें लिखा 4+2+8, यानी 8 नंबर लाने के लिए, यानी 8 छलांगे लाने के लिए उसे कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 4+2 हमें 4 बार रिपीट करना पड़ेगा अगर हमें 8 नंबर लाना है। अब देखिए अगर जमा वाली संख्या को अलग जोड़ते हैं घटा वाली संख्या को अलग जोड़ते हैं, जमा वाली संख्या हमारे पास 16 है और घटा वाली संख्या घटा 8 आई है, तो 16 में से 8 गए 8 और नंबर जो बड़ा है उसके आगे जमा का चिन्ह है तो यहाँ भी जमा का चिन्ह लग जाएगा।
तो बच्चों ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को प्रश्नावली 1.1 समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।